अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलाम मुस्वा। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जी हां, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूं वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपने। वो ये है कि आप किस तरह पैसे से पैसा कमा सकते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। अगर एक किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा हो। देखा देखी में या अफसा नफसी में हर कोई चाहता है बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से ज़्यादा पैसा कमाए। जी हाँ, इस तरह मुझे भी पैसा पसंद है, आप लोगों को भी यकीनन पैसा पसंद है। अगर किसी मजमे में पूछा जाए किसको पैसा नहीं पसंद, वो हाथ खड़ा करे। यकीनन कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस तरह हाथ खड़ा करेगा। इसलिए मैं आज आपको चंद टिप्स बताऊंगा जिससे आप पैसे के जरिए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ पैसे से पैसा किस तरह कमाया जाता है। पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, हर शख्स को पैसा ज़रूरत होता है। पैसे के जरिए ही हम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया को पूरा कर सकते हैं। और तमाम बड़े से बड़े जो ताजर हैं या छोटे से छोटा फ़कीर कह लें, ये सब इन सब को पैसा ज़रूरत होता है और हर किसी की ये ज़रूरत है। रूटीन में आप लोगों ने देखा होगा उस इंसान की इज्जत है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी इज्जत भी नहीं है। एक कड़वी हकीकत और एक सच है पड़ा, लेकिन लोग मानने से इनकारी हैं इस बात से। लेकिन ये हकीकत है और सबको इस बात का पता है और हर कोई इस बात से नावाकिफ नहीं है। तो आज अगर आप के पास चंद रुपए हैं तो अगर आप उसको सेव करके रखेंगे, बैंक में रखेंगे, तो आपके ये हो सकता है 10 साल बाद वही के वही रहें, या हो सकता है आप ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें और वो आपसे ज़ाया हो जाए या किसी जगह पर खर्च हो जाए। और अगर आपके पास आज चंद पैसे हैं, अगर ये पैसे आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अगर खुदा ना खासा नुकसान नहीं होता, अगर आप अक्ल से समझ बूझ से ये फैसला करते हैं, तो आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। और इस तरह आपकी रकम भी महफूज रहेगी और आपको आपका प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। इस तरह लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने पास प्राइस बांड खरीद के रखे हुए होते हैं, बैंकों में सेविंग अकाउंट में जमा करवा के रखे होते हैं, या उन्होंने किसी भी किस्म के जो बिजनेस होता है उनके आसपास जहां पर वो समझते हो कि उनका पैसा सिक्योर रहेगा, किसी किस्म का उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कोई उनको धोखा नहीं देगा, तो ऐसी जगह पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं कोई कारोबारी शख्स है, उनका दोस्त है, रिश्तेदार है, या किसी के थ्रू किसी के कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए अगर मैं इसके कारोबार में लगा रहा हूँ, आप मुझे हर मंथ इतना प्रॉफिट देंगे। इस किस्म का आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। सिर्फ यही टेंशन होगी कि अगर आपने जिस शख्स को पैसे दिए हैं वो अगर आपके एतबार का नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी टेंशन रहेगी कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए या ज़ाया ना हो जाए या कोई फ्रॉड ना हो जाए आप लोगों के साथ। अदरवाइज अगर आप कोई वाकिफ है, आपका एतबार का बंदा, आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी ज़रूरत पूरी होगी और आप लोगों का पैसा भी महफूज रहेगा और आप लोग भी कुछ ना कुछ उससे कमा सकेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप रखते हैं किसी बैंक अकाउंट में तो आप जमा करवा देते हैं, तो आपको उसमें से क्या प्रॉफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा, यही होगा आपके ज़ाया नहीं हो रहे, खर्च नहीं होंगे। अगर यही पैसा आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, माना कि आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं फोकस कर सकते आप किसी भी कारोबार में, तो लेकिन आप ये देखिए अगर आपकी कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है और आपको हर महीने सेफ तरीके से, एक अच्छे तरीके से, बाइज़त तरीके से आपको पैसा मिलेगा, और या हो सकता है महीने बाद मिले या 2 महीने 3 महीने बाद, जिस तरह भी आप लोगों के साथ अपनी डील फिक्स करते हैं, या आप देख लें कोई पंप बना रहा है उसके साथ इन्वेस्ट कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रख लीजिए, इतने साल तक आप मुझे इतना पैसा देंगे, जब मेरा ये पैसा पूरा हो जाएगा तो मेरा असल रकम के साथ भी मैं अपनी रकम अपना प्रॉफिट लेकर चला जाऊँगा। इस तरह कर लें आप, या इस तरह देखिए मुख्तलिफ कारोबार हैं। अगर आप देखते हैं आप किसी देहात वगैरह में रहते हैं ज़्यादातर, या किसी शहरों में भी ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, अर्थ वगैरह का जो कारोबार है कोई पहले से कर रहा है, आप उसके साथ अपना पैसे को अटैच कर दीजिए। आप जितना अपना पैसा अटैच करते जाएंगे, जब वो सेल होता जाएगा, दुकानदार अपना प्रॉफिट रख लेगा, आपको आपका अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी की दुकान पर कोई चीज़ रखवा रहे हैं तो आप दुकानदार को उसको किराया दे दें, आप अपना पैसा ले लें, जो भी सेल होगा जो भी बचेगा आप अपना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। दुकानदार को उसकी एक किस्म की मजदूरी मिल रही है, जो आपने अपना सामान उसकी दुकान पर रखा हुआ है और वो आपका सामान आगे सेल करेगा। उसके साथ फिक्स कर लीजिए ये प्राइस होगी, इससे कम आपने मेरा सामान नहीं सेल करना, इसके ऊपर जो सेल होगी अब वो आपका जो मैंने फिक्स किया है रकम के, इस रकम पे ऊपर मुझे रकम मिलनी ही मिलनी चाहिए कि इस कीमत पर मेरा सामान सेल कर दीजिए तो वो रकम आपको मिल जाएगी।
बहुत से तरीके हैं पैसे के जरिए पैसा कमाने से। आपने जितने भी कामयाब इंसान देखे होंगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है किसी ना किसी तरीके से। ये नहीं देखा कि अगर मेरे पास अभी पैसे थोड़े हैं, आप देखिए आपके पास जितने पैसे हैं उन पैसों के जरिए उतने ही उसी छोटे किस्म के कारोबार में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप किसी बड़े कारोबार में कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लाजमी नहीं है। अगर एक कारोबार है 10 लाख का, आपके पास 1 लाख है, तो आप जमा करेंगे 10 लाख जमा होंगे तो मैं जाऊंगा उस कारोबार में इन्वेस्ट करूंगा। आपके पास 1 लाख है, 1 लाख से जो कारोबार शुरू होता है आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 लाख से जो कारोबार शुरू होता है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। या आप ये देखिए कि अगर 10 लाख वाले कारोबार में किसी के साथ मैं अटैच हो जाऊं, अपना 1 लाख दे दूं और मुझे हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, इसी तरह तो आपके पास 10 लाख जमा होंगे। या अगर आप एक कोई करते हैं कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमा करते जाएंगे, कितने सालों में आप जमा कर पाएंगे? नौकरी से तो घर चलेगा, जमा क्या होंगे? आपको चाहिए जो इन्वेस्टमेंट है उसी को इस्तेमाल कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। कमाना हर कोई जानता है, बचाना कोई कोई जानता है। बुजुर्गों की मिसाल है, कमा तो हर कोई लेता है, बचा कोई नहीं सकता। या कमाने का तरीका हर किसी को आता है, बचाने का तरीका किसी किसी को आता है। जी हाँ, आप बचाना सीखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट में से अपना जो रोजगार है उसमें से कुछ ना कुछ बचाएं और जो बचत को अपने जाती काम में किसी तरह लगाएं। ये ना कि जब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ही करते जाएं, आप उस जो कुछ ना कुछ बता कुछ ना कुछ बचाते जाएं और आप उसी का अगले कारोबार में आप लगाते जाएं। इस तरह होगा आप बिजनेस में तरह आप छोटी मोटी चीज़ें लेकर ही आगे सेल कर दें, किसी को दे दें सेल करने के लिए आगे। किसी ना किसी तरीके से आप सोचिए अपने गेम को, अपने माइंड के जरिए कोई गेम खेलें। आप देखिए कि आपके इलाके में आप किस तरह से आप पैसा इकट्ठा कर सक आप किस तरह से कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा कारोबार आपको ज़्यादा तरक्की दे सकता है। आप वो काम कीजिए, सोचिए जो आपके इलाके में बहुत काम हो रहा हो या ना हो रहा हो। अगर आप करके आएंगे तो आप पहले ही शख्स होंगे, आपकी पहली बुनियाद आप ही डालेंगे उस काम की। आपके पास ही लोगों का ज़्यादा रश होगा और आप लोगों का आपके पास ही लोगों का यकीन ज़्यादा होगा। ये तो था मुख्तसर सा पैगाम आप लोगों के लिए, यकीनन आपको पसंद आया होगा। रखिएगा दुआ में याद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।